बढ़ेगा उसका जो अपना फ़ायदा होगा। कोरोना काल में ट्रेनें बंद की थी, कुछ ट्रेनें तो पहले चला दी थी, कुछ ट्रेनें आज से जीन सोनीपत से सोनीपत जीन वाली तीन पेयर चलते थे, तीनों चालू कर दिए। सुबह मॉर्निंग में जो 6:08 पे आती है, उसके बाद दूसरी गाड़ी 11:42 पे आती है, तीसरी अपने बाद 13:28 पे आती है, सोनीपत के लिए लास्ट जाती है। पहली गाड़ी जीन से आती है जो अपने यहाँ 10:28 पे आएगी, सो जीन जाने के लिए सोनीपत से आने वाली। दूसरी गाड़ी अपने यहाँ 14:28 पर है, और लास्ट ट्रेन जो 6:10 पे चलेगी 18:10 पे सोनीपत से, जो गोहाना में 18:52 पे आएगी। तो इस लाइन की चलने वाली तीनों पैसेंजरों को रेगुलर कर दिया गया है आज से। तो सर और कौन कौन सी ट्रेनें रह गई हैं? अब जींद पानीपत और रोहतक जो गाड़ियाँ चलनी थी उनका अभी 10 तारीख से शेड्यूल प्रोग्राम है चलने का, अभी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बताएंगे। बाकी 10 तारीख से शायद उसमें भी कुछ गाड़ियाँ रेगुलर की जा रही हैं। तो जो एक लंबी चलती थी गाड़ियाँ वो हिमालय क्वीन, लंबी हिमालयन क्वीन का अभी वो NWR की गाड़ी है, NR की नहीं है, उसका हेडक्वार्टर जयपुर से होगा, तो उसका अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन कुछ सूचना है नहीं। तो आज से तीन पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई? हाँ, तीन रेगुलर हो गई जींद सोनीपत वाली। कितना फ़ायदा होगा सर रेलवे को? फ़ायदा आज पहला दिन है, पैसेंजर मिलेंगे तो फ़ायदा तो होगा ही। बाकी सुबह वाली ट्रेन शाम वाली ट्रेन में काफ़ी लोग दिल्ली के जो डेली पैसेंजर हैं उससे अर्निंग तो बढ़ेगी ही, उसमें काफ़ी अच्छा पैसेंजर मिलने की संभावना है। तो ट्रेनें बंद से लॉस तो ही रहा था सरकार का? लॉस था, लॉस क्यों नहीं है, पूरा लॉस है। ट्रेन नहीं चल रही, अर्निंग तो हमारी बहुत कम हो गई थी, कोचिंग की अर्निंग तो बिल्कुल ही 25% रह गई थी, तो उसमें इंक्रीज होगी। चलिए ठीक है सर, से ट्रेन शुरू होगी दोबारा से, क्या कहना, कितना फ़ायदा होगा? स्टेशन ट्रेन दोबारा शुरू होने से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, पैसेंजर बस में तंग होते थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कितना फ़ायदा होगा, जिस तरह से बस में जाते थे? बस में जाते थे धक्के बहुत लगते थे, किराया ज़्यादा होता था, रेल में जाएंगे सफ़र जल्दी पूरा होगा और हम सबको आसानी रहेगी। तो लंबे समय का इंतजार के बाद ट्रेनें शुरू हुई हैं जी? तो ट्रेनें बहुत लंबे समय के बाद शुरू हुई हैं, जिसका बहुत लंबे समय था आज शुरू हुई है, धीरे धीरे सब ट्रेन शुरू हो जाएंगी, इस अंतर को बहुत फायदा होगा। क्या नाम है आपका? गगनदीप। होगा आपको बहुत अच्छा हो गया, लोगों की परेशानी कम हो गई, समय की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई, और यह है कि रेल को कुछ ट्रैफिक मिल गया, यहाँ रौनक भी होने लगी, नहीं तो स्टेशन वीरान ही हो गया। बड़ी अच्छी बात है, और हम तो ये चाहते हैं कि रोहतक पानीपत भी ये सारी चल जाए ना। जब मान लो आपने सोनीपत जाना था, कितनी परेशानी होती थी? बड़ी परेशानी थी यहाँ ऑटो की, पहले तो एक सवारी पे कोई ऑटो नहीं चलता था, बस स्टैंड अभी नहीं है, बस है कभी प्राइवेट है, वो प्राइवेट वाले तो ऐसे ही हैं, दूर से सवारी आ रही है, वैसे के रोकते रहो सवारियाँ, उनको परेशानी में उन्हें कोई मतलब नहीं था, एक सवारी के लिए भी देर कर देते थे, और उनको दुखी होते थे, किराया भी ज़्यादा देते थे, और अभी इसमें है ना समय भी कम लगता है और पैसे की बचत है, दुखी नहीं होना, छोटे बच्चों के साथ इसमें सारा आराम है, सामान के साथ आराम है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये तो मोदी जी ने हमारे इस एरिए पर बहुत कृपा की, और कृपा तो जब हो, जब सारी गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ की रिस्टोर हो जाएं, फायदा होगा, धन्यवाद करेंगे उनका। ठीक है, क्या नाम अंकल? बलबीर सिंह सैनी, मैं यहीं से। बस बस, कितना फ़ायदा हुआ, क्या कहना? बहुत बढ़िया जी, सारा काम उसे पड़ा था जी, पब्लिक परेशान थी, और इसकी वजह से आप सारी इसमें राय मिलेगी, सबके काम बिल्कुल ठप पड़े थे यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेशन के अंदर दुकानें थी, सबको रिहायत मिलेगी, सबका रोज़गार मिला। इस तरह से आप डेली आना जाना पड़ता, कितनी परेशानी होती थी पहले? बहुत ज़्यादा परेशानी थी सर, परेशानी पड़ती थी, आप सोच नहीं सकते सर कितनी परेशानी हो सकती है, ये लगा लो आप बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जो ट्रेन चलाने के। तो पहले पैसे भी ज़्यादा लगते थे? जी बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे सर, ये लगा लो आप 2-3-4 गुना पैसे तो ज़्यादा लगते थे। क्या नाम? मेरा जी मोहन भाई।